ये बुक है बोला गया ये बुक है इस बुक नहीं ये बुक तो नहीं है ये क्या है ये बॉक्स है हम तो हिंदी में हमने बोल दिया नहीं नहीं ये तो बुक तो नहीं है ये बॉक्स है हमने हिंदी में बोल दिया अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ बुक दिस इज अ बॉक्स ओके हमने हिंदी में बोला नहीं तो नहीं को क्या बोला नो no. ये बुक नहीं है हमने ये बोला तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दिस इज नॉट नॉट अ बुक ओके ये बॉक्स है हमने बोला था तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में दिस इज okay? तो वैसे ही हम सब करेंगे समझ में आ रहा है मैंने कैसा समझाया आपको क्लियर है यहाँ पे चलिए फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इज दिस हैट ये हैट है नहीं ये हेट तो नहीं है ये हट है क्या है ट तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ अट दिस इज अ हार्ट ओके इंग्लिश में हमने बोला ना अब इसको यहाँ लिखेंगे नो एन ओ नो ये हेट तो नहीं है ना तो क्या बोलेंगे नो no, कोमा लगाएंगे फिर बोलेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे दिस टी एच आई एस दिस आई एस इज एनओ टी नॉट नहीं को क्या बोलते हैं नॉट ओके नॉट ए हैट ओके नहीं ये हैट नहीं है ओके okay, हमने क्या बोल दिया ये हैट नहीं है क्या है ये ये हट है तो क्या बोलेंगे दिस सेकेंड सेंटेंस बोलेंगे टी एच आई एस दिस एस आ

अब आप लोग बोलेंगे टीचर यहाँ पर हम द क्यों लिख रहे हैं ए क्यों नहीं लिख रहे हैं ये एच ई यहाँ पे हम द इसलिए लिख रहे हैं कि मून दुनिया में वर्ल्ड में एक ही है ना आसमान में है उसके अलावा कहीं मून है नहीं है ना इसके लिए क्या लगाएंगे हम द लगाएंगे नो दिस इज नॉट द मून एम डबल ओ एन मून एंड फुल स्टॉप ओके तो क्या है ये दिस इज अ सन तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस टी एच आई एस दिस इज द द लगाएंगे सन एक ही है ना ऊपर समान में उसके अलावा कहीं सन दिखता है आपको नहीं तो क्या लगाएंगे द टी एच ई द एस यू एन सन एंड फुल स्टॉप दिस इज द सन ओके नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस अट ये कैट है नहीं नहीं ये कैट तो नहीं है ये तो डॉग है ये yes, इसको हम इंग्लिश में ये बोलेंगे नो दिस इज नॉट अ कैट दिस इज अ डॉग ओके हम यहाँ पे लिखेंगे ओके नो एन ओ नो टी एच आई एस दिस आई एस एस एन ओ टी नॉट ए कैट सी ए टी कैट एंड फुल स्टॉप नहीं ये कैट नहीं है तो ये क्या है डिस इज आ डॉक तो क्या बोलेंगे डी एच आई एस दिस एस आ डी ओ जी डॉ एंड फुल स्टॉप ओके तो so स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है कोई भी एक चीज सिंगल चीज आपके पास है और लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है ये नहीं ये तो चौक है तो आप बोल रहे हो नहीं नहीं ये चौक तो नहीं है ये तो पेन पेन है ओके okay? कोई चीज आपके पास एक है तो ऐसा हमें सेंटेंस फ्रेम करना है क्लियर समझ में आया बच्चा आपको कैसे ही लिखना है आपको आई होप इट इज क्लियर टू यू लाइक दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन अ पेज नंबर एटी एट डू इट वेरी नीटली ओके स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड इट ओके जो मैंने आपको बोला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से आप वीडियो देखिए ओके टेक केयर बाय बाय